वो समाज के अंदर फैला हुआ एक आम मर्ज है जिसे आप आम भी कह सकते हैं और एक बात बता दूं मैं आपको इब्तिदा में कि इसे ज़्यादातर लोग अक्सर लोग गुना की हैसियत से जानते हैं लेकिन इस हैसियत से लोग बहुत कम जानते हैं कि एक गुना भी है और एक मर्ज भी है ये अपने आप में एक तो है ही लेकिन मुझे और आपको बहुत सारे नुकसान से दोचार कर देने वाला एक मर्ज़ भी है मैं बात कर रहा हूँ हसद की हसद दिल को लगने वाली ख़तरनाक बीमारी है जिसे हम और आप हसद के नाम से जानते हैं और आम बोलचाल में दीगर लोग जिसे कहते हैं जलना जलन महसूस करना किसी की तरक्की को देख कर किसी की अच्छाई को देख कर खूबियों को देख कर अपने अंदर तकलीफ़ महसूस करना मेरे बहरे अल्फाज कोई भी हो लेकिन हसद दिल को लगने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है इन शह पहले मैं आपके सामने हसद की हकीकत को वाजी करूँगा कि हसद है क्या चीज़ हसद कहते हैं किसको है किसी भी आदमी के पास मौजूद कोई भी नेमत कोई भी अच्छी चीज़ जो उसे हासिल है उसको देखने के बाद आदमी अपने अंदर तकलीफ़ महसूस करे इसे हसद कहा जाता है सामने वाला आदमी सामने वाली खातून वो आपका रिश्तेदार हो या कोई अजनबी आदमी हो आपका अपना चहीदा दोस्त हो या आपका दुश्मन हो आपके नज़दीक इंतहाई पसंदीदा शख्स को या आपके नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा शख्स को अगर ऐसा आदमी है जिसे अल्लाह ताला ने किसी किस्म की नेमत अता की है वो दुनियावी नेमतों में से भी हो सकती है अल्लाह ताली ने किसी को शोहरत दी है पूरी दुनिया में उसका नाम मशहूर है हर कोई उसका नाम लेता है या अल्लाह ताली ने किसी को माल अता किया है बे इनतहा दौलत उसके पास है अच्छा खाता है अच्छा पीता है अच्छा लिबास है घूमने फिरने के लिए अच्छी सवारियाँ उसके पास है इतना ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को इल्म की सलाहियतें अदा की हैं इल्म से जुड़ी बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अदा की है इंसानी ज़िंदगी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें कितनी हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं वन नेमत अल्लाह के लातसुआ कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहोगे ला तसुआ उसको तुम शुमार नहीं कर सकते तो नेमतें बेशुमार हैं तो किसी भी किस्म की कोई भी नेमत जो किसी इंसान को हासिल है मुस्तकिल हासिल है हमेशा के लिए हासिल है यह हासिल नहीं थी अभी अभी हासिल हुई है और आपको उसकी खबर मिली खबर मिलने के बाद आपके दिल में ज़रा सी भी तकलीफ़ का एहसास जागता है शरीयत की नज़र में यही असल हसद है सामने वाला आपका भाई आपकी बहन आप उसे जानते हो या ना जानते हो आपको उसकी तरक्की की खबर मिलने के बाद आपके दिल में ज़रा सी भी तकलीफ का एहसास जागता है जान लीजिए कि आप हसद की बीमारी में हैं देखो सामने वाले की नेमतों को देखने के बाद इंसान के सामने दो रास्ते खुले रहते हैं यानी उस नेमत के ताल्लुक से इंसान दो किस्म के जज्बात से मुतासर हो सकता है दो चार हो सकता है एक ये कि आदमी सामने वाले की नेमत को देखकर अपने अंदर जलन महसूस करे तकलीफ़ महसूस करे इसे हसद कहा जाता है और यही जज्बा थोड़े से फ़र्क के साथ कि जब सामने वाले आदमी की नेमत आदमी देखता है अच्छाई को देखता है तो आदमी ये कहता है कि एक काश ये नेमत मुझे भी हासिल होती अब ये कहने वाला कि एक काश ये नेमत मुझे भी हासिल होती ये कहने वाला दो रास्तों से गुजर सकता है यानी इसके सामने दो हालतें रहती है दो किस्म के जज्बात से दोचार हो सकता है एक ये कि जो नहमतें सामने वाले के पास हैं ये सारी की सारी बर्बाद हो जाए ज़ाय हो जाए और ये सारी नेमतें मुझे हासिल हो जाए और दूसरा ये कि आदमी सामने वाले का बुरा नहीं चाहता यानी जो नहमतें उसे हासिल अल्लाह ताला ने दिए कोई बात नहीं दी है उसे सामने वाले का कोई बुरा नहीं चाहता उसकी है कि ज़ाहल हो जाने की कोई बात नहीं होती बल्कि ये कहता है ये सोचता है कि आकाश अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी ये नेमतें दिया होता आकाश अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी ये दौलतें दिया होता तो मैं भी ऐसा कुछ करता मैं भी इतना कुछ करता मैं भी इन नेमतों से मुस्तिद होता इन नेमतों से मालामाल होता याद रखो कि इसे इस्लामी शरीयत के नज़दीक इसे रश्क कहा जाता है और अरबी में इसे रिबता कहते हैं यही बात बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है ला हसद इल्ला फितनतैन क्या कहा इल्ला फितनतैन के हसद जायज़ नहीं है मगर दो चीज़ों में इसलिए कि याद रखो उन दो कैफियतों में जिन दो चीज़ों का तस्करा है वो हसद नहीं है बल्कि वो रश्क है हालांकि जज्बा वही है कि सामने वाले की नेमतों को देखकर कर रद्द अमल पैदा हो रहा है लेकिन जब वो रद्द अमल नेकी के जज्बे के साथ होता है अच्छाई के जज्बे के साथ होता है जिसमें सामने वाले की नेमतों के जायल हो जाने ज़ाय हो जाने बर्बाद हो जाने की कोई बात नहीं होती तो शरीयत की नजर में वो रश्क कहलाता है यानी वो जायज़ हो जाता है और वो क्या कहलाता है रश्क कहलाता है प्यारे नबी ने फरमाया कि दो किस्म के लोगों पर रश्क किया जा सकता है पहला वो आदमी अल्लाह के नबी ने फरमाया फिका ऐसा आदमी जिसे अल्लाह खूब माल किया है मालो दौलत से अल्लाह तेज माला माल कर रखा है अब वो आदमी क्या करता है जब भी कोई नए काम करने का मौका आया वो आदमी अपने माल को खूब खर्च करता है जब भी कोई नए काम करने का आया हर काम में अपने माल पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता है हर काम में पेश पेश रहा करता है अब ऐसे आदमी को देख कर आप ये तमन्ना करते हैं कि एक आश अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी इतनी दौलत दिया होता ताकि मैं भी अपने माल को अच्छाइयों में ऐसे ही खर्च करता या यह, यह कि अल्लाह मुझे भी इतना माल दे ताकि मैं भी नेक आमाल में अपने माल को ऐसे ही खर्च करूं अगर ये आप तमन्ना करते हैं ऐसा काम आप करते हैं तो याद रखो शरीयत की नज़र में यह जायज़ अमल है यह हसद नहीं है यह जलन नहीं है ये सामने वाले की नेमतों को देखकर अपने अंदर तकलीफ़ महसूस करना नहीं है बल्कि ये तो नेकियों में अच्छाइयों में अच्छे आमाल में एक दूसरे से मुसाबा है नेकियों में आगे बढ़ने का एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा है शरीयत की नज़र में यह जायज़ अमल है और दूसरा आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस पर रश्क किया जा सकता है दूसरा आदमी वो फरमाया रजुल रजुलआता क़ुरान फहुवा का हुआ यक़ूम भी व आना अल्लाहार ऐसा आदमी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत अता की यानी वो हाफिज़ कुरान है कुरान का पढ़ने वाला है कुरान का समझने वाला है याद रखो ऐसा शख्स इंतहाई काबिल रश्क इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की दौलत भी दी और कुरान की दौलत को देने के बाद उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की तोफ़ी भी दी वाकई मानों में ऐसा शख्स इंतहाईबिल रश्क इंसान है अब अगर इसे आदमी को देख कर आप ये तमन्ना करते हैं कि एक काश अल्लाह रब्लमिन मुझे भी ऐसे दौलत दिया होता या मैं भी कुरान ऐसे ही पढ़ा करता कुरान ऐसे ही समझा करता तो इसके अंदर भी कोई शर का पहलू नहीं है शर का कोई जज्बा नहीं है सामने वाले की नेमतों के ऐल हो जाने बर्बाद हो जाने का कोई जज्बा नहीं है बल्कि ये तो सामने वाले के साथ नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है शरीयत कहती है कि ये जायज़ अमल है प्यारे नबी की जो हदीस है आपने जो बात बयान फरमाई इसका खुलासा यूं समझिए कि सामने वाले की नेमतों को देख कर जो रद्द अमल पैदा होता है इंसान के दिल में जो फीलिंग्स पैदा होती है जो रिएक्शन होता है उस एहसास के बारे में आपको बिल्कुल महतात रहना है आपको बिल्कुल होशियार रहना है या तो वो एहसास बहुत अच्छा एहसास बन सकता है अगर वो रश के, या तो वो एहसास बहुत खतरनाक किस्म का मर्ज बन सकता है बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी बन सकती है अगर वो हसद है इस एहसास के ताल्लुक से आपको बिल्कुल मोहतात रहना है बिल्कुल होशियार रहना है मोहतरम सामीन याद रखो हसद के तीन दर्जे होते हैं यानी हसत तीन दर्जों में पाया जाता है हसत का पहला दर्जा ये कि आदमी सामने वालों की नमतों को देख कर अपने अंदर चलन महसूस करे ये इंतहाई पोशीदा कस्म का हसद है यानी आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता कि जब सामने वाले की न्यामतों का तस्करा होता है तो फौरन बेसाख्ता इंसानी दिलो दिमाग के अंदर उसकी बुराइयां जन्म देने लगती है इंसान की अच्छाइयों का तस्करा होता है तो फौरन इंसान उसकी बुराइयां करना शुरू कर देता है उसकी बुराइयों का तस्करा करना शुरू कर देता है इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता याद रखो यह हसद है कि आपसे उसकी अच्छाइयाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है आपको तकलीफ महसूस हो रही है आपके अंदर का शैतान उसके बारे में बुराइयाँ आपको याद दिला रहा है यह हसद का पहला दर्जा जो मैंने आपके सामने जिक्र किया कि सामने वाले की नेमत को देखकर अपने अंदर जलन महसूस करना आपने कुछ किया नहीं है आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं आपका यह तकलीफ महसूस करना इस बात पर दलालत करता है कि हजत का इब्तदाई दर्जा आपके अंदर आपके दिलो दिमाग के अंदर शरायत कर चुका है घुस चुका है अपना घर कर चुका है हसरत के मरीज़ आप बन चुके हैं हजरत की बीमारी आपको लायक हो चुकी है यह हसरत का पहला दर्जा है जो बड़ा ख़तरनाक है और हजरत का दूसरा दर्जा यह है कि आदमी ये तमन्ना करता है कि जो सामने वाले के पास नेमतें हैं ना ये सब ज़ाये nice, हो जाए बर्बाद हो जाए सिर्फ जलन नहीं जलन से आगे बढ़कर जलन के साथ साथ आदमी ये तमन्ना करता है कि जो नेमतें उसके पास हैं जो बरकतें है, जो खूबियाँ जो अच्छाइयाँ उसके पास हैं ये सब के सब जाय हो जाए बर्बाद हो जाए किसी ना किसी तरह यह ख़त्म हो जाए और याद रखो आम तौर पर जो है हसद की तारीफ़ ही ये की जाती है तमन्नी जवाल न गैर के गैर की नेमतों के ज़ाय हो जाने बर्बाद हो जाने की तमन्ना करना कि किसी ना किसी तरह ये नेमतें उससे ज़ाय हो जाए दूर हो जाए यह हसद का दूसरा दर्जा है और हसद का तीसरा दर्जा ये कि आदमी ये तमन्ना करें कि जो नमतें उसके पास है ये जो ख़ूबियाँ ये जो अच्छाइयाँ उसके पास है ये सब उससे ज़ाय हो जाए बर्बाद हो जाए और उसकी सारी खूबियाँ सारी नेमतें सारी बरकतें मुझे हासिल हो जाए ये आदमी तमन्ना कर देखिए आप ये तमन्ना करते हैं कि जो नहमतें उसके पास हैं वो अल्लाह ताला मुझे भी दे दे और नेक दिली के साथ नेक जज्बे के साथ आप तमन्ना करते हैं कि इन नेमतों को हासिल करने के बाद मैं रब का शुक्रगुजार बन जाऊंगा उसके बताए हुए तरीके पर अपने माल को अपनी दौलत को अपनी नेमतों को सही अंदाज़ में ख़र्च करूंगा सही अंदाज़ में इस्तेमाल करूंगा अगर आप ये तमन्ना करते हैं तब तो ये आपकी नेकी है आपकी अच्छाई है लेकिन आदमी की तमन्ना ये होती है आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि सामने वाला महरूम कर दिया जाए मैं नवाज़ दिया जाऊँ सामने वाले के पास से नेमतें छीन ली जाए मुझे दे दी जाए उससे ज़ाय हो जाए बर्बाद हो जाए और मुझे मिल जाए और कभी कभी तो हसद की आग इतनी शदीद आग बन जाती है कि आदमी ये तमन्ना करता है कि मुझे मिले या ना मिले मुझे हासिल हो या ना उसके पास से तो ज़ाय हो जाना चाहिए उसके पास से तो बर्बाद होना जाना चाहिए यह हसर के बड़े ख़तरनाक दर्जे हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र किए पहला दर्जा ये कि सामने वाले की नेमतों को देखकर अपने अंदर जलन महसूस करे इंसान दूसरा दर्जा ये कि जब सामने वाले की नेमतों को इंसान देखे तो सोचे कि जो है उसके पास है वो सब के सब ज़ाये हो जाए बर्बाद हो जाए और तीसरा ये कि जितनी नमतें उसके पास हैं जितनी अच्छाइयाँ उसके पास है जितनी ख़ूबियाँ उसके पास हैं है, वो सब के सब उससे बर्बाद होकर मुझे हासिल हो जाए ये हजरत के तीन दर्जे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं देखिए मोहतरम सामीन आपके सामने भी किसी की अच्छाइयों का तस्कर होता होगा किसी की खूबियों का किसी की तरक् का तस्करा होता होगा उस वक्त देखिए कि आपके दिल में क्या कैफियत गुजरती है और आम तौर पर हमारे दिल में हसद है कि नहीं है इसका अंदाज़ा लगाने का इसका जायजा लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब हम हमारे हम पेशा जो हमारे पार्टनर हैं हमारे क्लासमेट हैं हमारे हम उम्र लोग हैं जब उनकी तरक् का तस्करा हम सुनते हैं तो उस वक्त हमारे दिल में क्या कैफियत होती है उस वक्त हमारा दिल किन जज्बों से दो चार होता है यह आप देखिए अपने नफ्स का मुहासभा कीजिए और अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी और आपकी हमारे कलूब की हमारे दिलों की कि शायद के दूर के लोगों की तरक्याँ हमें बर्दाश्त हो जाए शायद के दूर के लोगों की अच्छाइयाँ उनकी खूबियाँ हमें बर्दाश्त हो जाए लेकिन हमारे दिल का मसला ऐसा होता है कि जो जितना ज़्यादा करीब होता है उसकी उसकी जो है नमतें उसकी अच्छाइयाँ उसकी खूबियाँ उसी कदर हमें तकलीफ़ देती है जो जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उसकी खूबियाँ उसी कदर हमें तकलीफ़ पहुँचाती है किसी से हमारा ताल्लुक है किसी नाही से तिजारत के मामले में शरीक है बिज़नेस के मामले में शरीक है अच्छा ये जो है कारोबार के मामले में शरीक है तिजारत ये दौलत ये शोहरत किसी भी मामले में शरीक हैं जब उसकी कामयाबी का तस्करा हमारे सामने आता है तो उस वक्त हमारे दिल में क्या कैफियत होती है यकीन हमारा दिल तकलीफ़ महसूस करता है हाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम पहचाने अपने आप को पहचाने अपने दिल में लगने वाली तकलीफ को जो है बीमारी को पहचानें और उसे दूर करने की हद तक इम्कान कोशिश करें और याद रखो ये जो हसद है मैंने इब्तिदा में जो आयत पढ़ी उस आयत के मुताबिक ये हसद यहूदियों की आदत है ये यह हसद यहूदियों का शेवा यहूदियों की अपनी आदत है और यहूदियों का मामला क्या था आप अच्छी तरह जानते हैं आपको मालूम होगा आपने बारा पढ़ा होगा सुना होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहस से पहले आपके नबी बनाए जाने से पहले यहूदी इस उम्मीद में लगे हुए थे कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं जो आखिरी रसूल आने वाले हैं वो भी यहूदियों में से आएंगे यानी आखिरी नबी भी उन्हीं की कौम में से आने वाले यहूदी इस उम्मीद में लगे हुए थे जब अल्लाह तबारक व तैाली ने प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की बेहस यहूदियों में करने की बजाय अरबों में की अरबों को अल्लाह रबुआमिन ने आखिरी नबी की रिसाल से मालामाल किया तो उन्हें जलन महसूस हुई कि जो नबी हमें मिलने वाले थे हमारे अंदर आने वाले थे वो किसी गैर के पास आ गए अरबों के पास आ गए उन्हें जलन महसूस हुई और इसी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये चाहा कि किसी ना किसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा हो जाए ना उस बिल्ला आपका काम तमाम हो जाए ताकि जीते जी प्यारे नबी अरबों में ना रहें उन्हें जलन महसूस हुई और इसी वजह से वो जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो ये सोचते कि ये नेमत हमें क्यों नहीं मिली और इसी हसद की बिना पर इसी हसद की वजह से वो प्यारे नबी वसल्लम को नाज़ुबिल्ला वक्तन फवक्तन तकलीफ़ें देते मौक़ों पर शदीद मौक़ों पर दगाबाजी धोखाबाजी करके वक्तन फवक्तन प्यारे नबी अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दिया करते थे ताकि किसी न किसी तरह नाव़िल्ल प्यारे नबी का का काम तमाम हो जाए आपका ख़ात्मा हो जाए इस तरह उनके दिल को ठंडक हो जाए और याद रखो कि यहूदियों की जो दुश्मनी की असल बुनियाद थी ना वो उनका अपना हसद था उनकी अपनी जलन थी और इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हसद दिल की कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी अपने आप को हसद से ना बचा सका वो उस वक़ाम को भी पहुंच सकता है जहां पहुंचकर वो यहूदियों की रविश को इख्तियार कर लेना उस अल्लाह हिफाजत फरमाए और देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत अम अमसदून से आलाम आता हमल्न फ़जली इस आयत से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हसद ये दिल की कितनी ख़तरनाक बीमारी अल्लाह ताला ने फरमाया अम अमसद आता हमल्न फ़दली क्या ये लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके साथियों को मोमिनों को मुसलमानों को अल्लाह की जानिब से जो फजल हासिल है क्या इस बिना पर ये लोग हसद करते हैं यानी बताना ये है कि जो जदर व मुनाजरा कर रहे हैं ये जो बहस व मुबाशा कर रहे हैं जो बातें कर रहे हैं सब बेकार की बात है ये सब फालतू बातें यानी असल जो चीज़ कार फरमाए हैं असल जो चीज़ इन्हें हरकत में ला रही है असल जो चीज़ इन सब के पीछे है वो इनका अपना हसद है मोहतरम सामिन ये जो दिल की बीमारी है जिसे हमने हसद कहा है यह हमारे समाज की हमारे सोसाइटी की एक बहुत आम बीमारी बन चुकी है जिसका मुशाह आप लोग सुबह और शाम कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपके सामने कहा जब भी किसी की अच्छाइयों का तस्करा होता है जब भी किसी की नेमतों का तस्करा होता है तो फ़ौर बेसाख्ता इंसानी दिलो दिमाग के अंदर उसकी बुराइयाँ जन्म लेने लगती है फ़ौर इंसान उसकी बुराइयों का तस्करा करना शुरू कर देता है मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने नफ्स का मुहासबा करें अपने नफ्स का जायज़ा लें फौरन इंसान क्या करता है उसकी बुराइयों का तस्करा करना शुरू कर दिया फ़ला ऐसा है फ़ला ऐसा है हो सकता है कि वो बुराइयाँ उसके अंदर मौजूद हों लेकिन फिल वक्त जिन अच्छाइयों का तस्करा हो रहा है वो तो उसके अंदर मौजूद है ना वो तो हकीकत है ना अगर आपका दिल जलन महसूस करता है अगर आपका दिल उसके ख़िलाफ़ मनफी रवैया और मनफू पहलू सामने लाता है तो जान लीजिए कि हसद की बीमारी में आप लायक हो चुके हैं हसद के मरीज़ आप बन चुके हैं और मोहतरम सामीन याद रखिए हसद की बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि हसद करने वाले को तो इसका नुकसान होता ही है हसत करने वाले को तो इसका ज़र्र होता ही है कभी कभी महसूस जिस पर हसद किया जा रहा है उस पर भी इसका नुकसान होता है इतनी ख़तरनाक बीमारी एक आदमी को मैं नहीं जानता मुझ पर हसद कर रहा है और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि वो हसद वो कर रहा है बिला वजह का नुकसान मुझे पहुंच रहा है इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सूरत को मुकम्मल ही सी बात पर किया फरमाया कुल फरमायाद बब्बल फ़लक मिनशरमा ख़लक ओ मिन वक़ब ओ मुन्फ़ाद फ़िलोक़दिन हासदिनसद फ़रमाया के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पना मांग लीजिए पना चाह लीजिए अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पना नहीं मिली तो यह हसद की बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि हासिद भी परेशान हो जाता है और महसूद जिस पर हसद किया जा रहा है वो भी परेशान हो जाता है दोनों परेशान हो जाते सलाम को मालूम था क्या मेरे भाई मुझ पर हसद कर रहे नहीं मालूम था अपने वाली से दूर हो गए तरह तरह की मसाइब और मुश्किल का सामना करना पड़ा और इसी तरह हासिद हसद करने वाले भाई भी क्या हुआ आखिर में बुरी तरह जलील रसुवा हुआ यह हसद की जो आग है इतनी खतरनाक आग है अगर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह ना मिले तो हासिद और महसूद दोनों को जलाकर राख कर देती है लिहाजा अपने दिल से हसद को निकालिए अपने दिल से कीने को निकालिए अपने दिन से जनन को निकालिए कपट को निकालिए और एक सवाल उठता है कि अपने आप को हसद से बचाया कैसे जाए अपने आप को हसद से दूर किया कैसे जाए याद रखो ये जो नजर बद होती है ना ये भी हसद ही की वजह से होती है ये इतना अच्छा पहनता है इतना अच्छा खाता है इतना अच्छा पीता है इतना अच्छा घूमता है इतना इल्म इसके पास है ये जो नजर बद का लगना है वो भी उसकी असल बुनियादी वजह हसद है हसद ही की वजह से बद लगती है इससे बचा कैसे जाए इससे बचने के लिए सबसे पहला काम आप ये करिए कि जब भी आप किसी की नेमतों को देखें जब भी आप किसी की अच्छाइयों को देखें किसी की खूबियों को देखें किसी की तरक्कियों को देखें जब भी किसी की अच्छाइयों का तस्करा आपके सामने हो तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान कीजिए अल्लाह आलमीन की तारीफ़ बयान कीजिए कही माशाला बिल् इससे होगा क्या आप रब्लम की तारीफ़ बयान करेंगे तो आपकी जो नजरें बद हैं सामने वाले की नमतों को नहीं लगेगी इसलिए जब भी किसी की नमतों को आप देखें तो अल्ला रब्लम की तारीफ़ बयान कीजिए कही माशा लाख ला बिल्ला और दूसरा काम आपको करना है वो ये कि जब भी आप किसी की नहमतों को देखें तो आप खुश हो जाइए और उसे बरकत की दुआएं दीजिए कि अल्लाह रब्लम आपके अंदर मज़ीद तरक्की दे आपके मालो दौलत में रब्बुल रब्लम बरकत दे बारक अल्लाह बारकल्लाफी या बारक अल्लाह उफीकम इस तरह के कलीमत का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और तीसरा काम आपको जो करना है वो ये कि जब भी आप किसी की नमतों को देखें और अगर आपको उसकी नमत अच्छी लगे तो अल्ला रब्लम से उसके बारे में सवाल कीजिए हाँ सामने वाले की नेमतों के ज़ाय हो जाने बर्बाद हो जाने का जज्बा आपके अंदर नहीं होना चाहिए उसके बारे में अगर आपको अच्छी लगे तो अल्लाह आलमीन से सवाल कीजिए कि अल्लाह आलमीन वो नेमत मुझे भी दे ताकि मैं भी इतना कुछ करूँ तेरी बारगाह में शुक्रगुजार गुज़ार बन जाऊँ और तेरे बताए हुए तरीके पर सही अंदाज़ में इस नेमत का इस्तेमाल करूँ ये शरीयत की नज़र में जायज़ है आप ऐसा कर सकते हैं देखिए कोशिश कीजिए अपने दिल से हसद को निकालिए कीने को निकालिए कबट को निकालिए जलन को निकालिए शुरू शुरू में इब्तदा में आपको तकलीफें आएंगी मसाइब व मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा लेकिन कोशिश कीजिए मेहनत कीजिए इन शब्दी से तोफ़ी तलब कीजिए और सबसे आसान काम जो आपको करना है जब भी किसी की नहमतों को देखें तो तोअल् रब्लम की तारीफ़ बयान कीजिए खुश हो जाइए और उसे बरकत की दुआई दीजिए कहीं माशा अल्लाव ला बिल्ला, इसी तरह से बारक बारकल्ला हफ़िकुम इस तरह के कलीमत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए आखिर में अल्लाह अल्ला से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें हसद जैसी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए आमीन वाक़ुर दावा नानदुल्ल रबालमी वसलम वरहमल वर्का It's Al Fajr Educational Foundation presentations.